दोस्तों, अक्सर हम जानवरों के बारे में यही सोचते हैं कि इनमें इमोशंस नहीं होते और ये कुछ भी सोचने और समझने में असमर्थ होते हैं। लेकिन कभी कभी जानवर कुछ ऐसी हरकतें और कारनामे कर देते हैं जो हर किसी की समझ से परे होते हैं, और जानवर ऐसा क्यों और कैसे करते हैं कोई भी नहीं जान पाता। और इसलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी सालों से जानवरों पर रिसर्च करते आ रहे हैं, लेकिन जानवर इन्हें भी अपनी हरकतों से आए दिन हैरान करते रहते हैं। जानवरों की कुछ ऐसी ही हरकतों और कारनामों को दिखाने के लिए हमने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक 2 पार्ट्स बना भी दिए, और उसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेजिंग एनिमल मूवमेंट्स गॉट ऑन कैमरा पार्ट 3। अब सबसे पहले आप इस कुत्ते को देखिए जो कि एक नाव पर बैठा हुआ है और मजे से इन मछलियों को देख रहा है, मगर पता नहीं इस कुत्ते को क्या समझ में आता है और ये इन मछलियों को देख कर उत्तेजित होकर नदी में कूद जाता है। मगर कूदने के बाद इसे पता चलता है कि नदी का पानी कितना ठंडा है, और जैसे ही इसे ठंड लगती है वैसे ही ये नाव के पास आने की कोशिश करने लगता है, मगर अब ये पूरी तरह से फंस चुका था। हालांकि बाद में नाव में सवार लोगों ने इसे निकाल लिया। यहाँ पर जैसे ही ये आदमी अपनी गाड़ी की डिग्गी को खोलता है वैसे ही यहाँ पर मौजूद सभी बंदर गाड़ी की डिग्गी में घुस जाते हैं, और पता नहीं इस गाड़ी की डिग्गी में क्या मौजूद था कि ये बंदर इसकी ओर अट्रैक्ट हो गए। ये बंदर इस गाड़ी की डिग्गी में इस तरह घुस रहे थे मानो ऐसा लग रहा था कि ये बंदर इस गाड़ी की डिग्गी में ही रहने वाले हैं। बंदरों की इतनी ज्यादा संख्या देखकर ये नज़ारा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। ये नज़ारा किसी कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हुआ जो कि वाकई में बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर एक रेप्टाइल और 2 हंस रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। ये रेप्टाइल रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है मगर ये हंस इसके पीछे ही पड़ गए हैं और इसे हर तरफ से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में ये रेप्टाइल कैसे भी करके इस रोड को पार कर लेती है, मगर ये हंस वाकई में बड़े जिद्दी थे जो इसके पीछे ही पड़े रहे। ये वीडियो भी कार में मौजूद किसी इंसान ने रिकॉर्ड किया जो कि हमें दिखाता है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए वरना हमारा नुकसान ही होता है। यहाँ पर ये आदमी ओवर कॉन्फिडेंस होकर इस मगरमच्छ से पंगा ले लेता है और अपनी गाड़ी को मगरमच्छ के पास ही ले जाता है। ये अपनी गाड़ी को मगरमच्छ के पास ले जाकर ये सोचता है कि मगरमच्छ इसका कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो गाड़ी के अंदर सेफ है और उसकी गाड़ी इतनी मजबूत है कि मगरमच्छ उसकी गाड़ी का भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मगर इस इंसान को मगरमच्छ ने तुरंत ही सबक सिखा दिया और इसे बता दिया कि किसी की भी ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दरअसल इस मगरमच्छ ने इस इंसान के गाड़ी के हिस्से को ही तोड़ दिया और अपने जबड़े की ताकत से इसकी गाड़ी को खटारा बना दिया। अब ये इंसान भी पछता रहा होगा कि इसने मगरमच्छ से पंगा गलत ले लिया। अब जरा आप इस वीडियो क्लिप को देखिए जहाँ पर एक किंग कोबरा सांप एक घर के बाहर खिड़की के बाहर अपने फन को फहरा रहा है और इंतजार कर रहा है कि इस घर से कोई बाहर निकले और ये उसे अपना शिकार बना सके। घर के अंदर से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो हमें बताता है कि किंग कोबरा कितना अग्रेसिव होता है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सांप इन घर वालों को धमकी दे रहा है कि बाहर निकल के तो दिखाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब जरा इन मनमोजी बंदरों पर भी आप अपनी नजर मार लीजिए जो कि एक तालाब में तैर रहे हैं, मगर किसी ने इस तालाब में कैमरा लगा दिया और इनके तैरने के अंदाज को कैप्चर कर लिया। देखने में ऐसा लगता है कि कोई मछली तालाब में तैर रही हो। ये बंदर इतने अच्छे तरीके से तैरते हैं कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए, और पहली बार जब हमने इस क्लिप को देखा था तो हमें भी काफी हैरानी हुई थी कि कैसे ये बंदर इस तरह तैर सकते हैं, मगर हम आपको बता दें कि बंदर इसी तरह से तैरते हैं। यहाँ पर 2 रैम्स के बीच घमासान हो रहा था और ये दोनों ही एक दूसरे पर वार कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक कुत्ता आता है और इन दोनों के बीच बचाव करके कैमरामैन के पास आकर कहता है कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। इस मुर्गी को देखिए जो कि अपनी जान को जोखिम में डालकर इन मगरमच्छों से पंगा ले रही है। इतने सारे मगरमच्छों के बीच भी ये मुर्गी उनके पास जाकर वापस आ जाती है। ये मगरमच्छ इस मुर्गी को देखते ही रह जाते हैं पर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ये मुर्गी इतनी फुर्तीली है कि ये मगरमच्छों को चकमा देकर वापस आ जाती है और ये मगरमच्छ देखते ही रह जाते हैं। अब जरा आप समुद्र की दुनिया का ये हैरान कर देने वाला नजारा देखिए जो कि आपको हैरानी में डाल देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा आखिर ये है क्या, क्योंकि यहाँ पर एक समुद्र में काफी सारी मछलियाँ ऊपर आ चुकी हैं जो कि देखने में काफी अमेजिंग लग रहा है।
इस वीडियो क्लिप को बोट में मौजूद किसी आदमी ने रिकॉर्ड किया जो कि इस समय इंटरनेट पर काफी वायरल हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नजारा समुद्र में बार बार देखने को मिलता ही रहता है और आए दिन इसके वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। यहाँ पर ये आदमी कुछ अनाज को खाना खिला रहा है, लेकिन इसके खाना खिलाने के अंदाज इतना निराला है कि जिसे देखकर हर किसी की हंसी छूट जाए, क्योंकि ये आदमी एक स्टिक पर मांस के एक टुकड़े को रखकर अपने मुंह में रख लेता है और फिर उसे इधर उधर करता है और इन हाइनास को बार बार चकमा देता रहता है और एकदम से किसी हाइना को उसका निवाला दे देता है। ये हाइनास भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसके पास से खाना खा रहे हैं। शेर जंगल का राजा होता है तो मगरमच्छ पानी का राजा, और अगर इनके बीच फाइट हो जाए तो देखो ये नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर ये दोनों ही जानवर आपस में भिड़ गए और कोई भी किसी से हार मानने के लिए राजी ही नहीं है। ये मगरमच्छ पानी से शेर पर वार करने की कोशिश कर रहा है, वहीं शेर जमीन से मगरमच्छ पर वार करने की कोशिश, मगर ये दोनों किसी पर भी वार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये टक्कर बराबरी की है और इसमें जीत उसी की होगी जो कि सबसे पहले दांव मार ले जाएगा। अब बात मगरमच्छ की हो ही रही है तो जरा आप इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए, जहां पर ये मगरमच्छ रेत में कुछ इस तरह चल रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए और चक्कर में पड़ जाए कि आखिर ये है क्या और ये मगरमच्छ इतनी आसानी से रेत पर चल कैसे ले रहा है, क्योंकि ये मगरमच्छ रेत पर इतनी आसानी और सटीकता से चल रहा है कि जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी रोड पर चल रही हो। मगर हम आपको बता दें कि मगरमच्छ ऐसा करने में सक्षम होते हैं और कई बार मगरमच्छों को ऐसा करते हुए देखा भी जाता है। अब ऐसा मगरमच्छ किस लिए कर पाते हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये क्लिप हैरान कर देने वाली है। अब जरा यहाँ पर भी आप अपनी नज़र मार लीजिए, जहाँ पर एक चिंपेंजी लाइट मैन को परेशान करके रखे हुए है और उसे लाइट को बनाने ही नहीं दे रहा है और किसी स्टंट मैन की तरह स्टंट करके उसे भगा रहा है। ये नज़ारा वाकई में देखने लायक है, क्योंकि चिंपेंजी को आपने इस तरह के स्टंट्स पेड़ों पर करते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन किसी तार पर करते हुए पहली बार देख रहे होंगे। इंटरनेट पर इस वीडियो ने काफी सुर्खियां बटोरी और इस पर कई मीमर्स ने मीम्स भी बनाए। आपके इसके बारे में क्या विचार है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर ये चीता शिकार करके उसे खा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक हाइना आ जाता है और इसे भगाने लगता है और कमाल की बात तो ये है कि इस हाइना से चीता आराम से डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। हालांकि अगर ये चीता चाहे तो इस हाइना को चीड़ फाड़ कर रख देता है, लेकिन ये ऐसा इसीलिए नहीं करता क्योंकि इसे भी पता है कि अगर हाइना के झुंड ने इस पर हमला कर दिया तो इसका क्या हाल होगा। ये हाइना इसे आराम से भगा देता है और शिकार का आनंद लेता है। ये वीडियो हमें दिखाता है कि एकता में कितनी पावर होती है और ये चीता यहाँ से इसीलिए भाग गया क्योंकि इसे भी पता था कि अगर इस हाइना ने अपने ग्रुप को बुला दिया तो इसका क्या हाल होगा। आपने इंसानों को झूला झूलते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी जानवर को झूला झूलते हुए देखा है? नहीं तो अब देख लीजिए कि किस तरह ये रेम झूला झूल रही है और झूला झूलने का आनंद ले रही है। दरअसल यहाँ पर एक टायर लटका होता है और ये रेम उसमें फंस जाती है, मगर ये रेम इतनी चालाक होती है कि अपनी कमजोरी को ही अपना आनंद बना लेती है और टायर में फंसे होने के कारण उसमें झूला झूलने लगती है। वाकई में इस रेम का IQ लेवल तो अनबिलीवेबल है। अब जरा आप यहाँ पर भी अपनी नज़र मार लीजिए, जहाँ पर ये मोहतरमा मोबाइल चला रही होती हैं, लेकिन इनका मोबाइल चलाना इस मुर्गे को पसंद नहीं आता और ये इनके सिर पर चढ़ के इन्हें चोटें पहुँचाने लगता है। ये मोहतरमा इस मुर्गे को भगाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन ये मुर्गा इनके सिर पर चढ़ ही जाता है और इन्हें गिरा देता है, मगर गिरने के बाद ये मुर्गा फिर भी नहीं मानता और इन्हें दौड़ा देता है। अब अंत में आप इस क्लिप को देख लीजिए, जहां पर एक हार्प सील बिल्ली से उसका हालचाल पूछने के लिए आती है, मगर ये बिल्ली इस समय बहुत गुस्से में होती है और हार्प सील को एक लाफा जड़ देती है। आशा करते हैं आपको वीडियो का पार्ट 3 पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए बढ़ चढ़कर कमेंट सेक्शन में पार्ट 4 जरूर लिखें और अगर आपको इस वीडियो से कुछ अनोखा जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।